हेलो एवरीवन, दिस मंच होंगे। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स असाइनमेंट 2.14 क्वेश्चन नंबर 1। एमसीक्यूज है हमारा फर्स्ट। 1 मीटर 45 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग फर्स्ट शर्ट। ठीक है, वन शर्ट। हाउ मच क्लोथ इज नीडेड फॉर स्टिचिंग 35 शर्ट्स। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें क्लोथ चाहिए कितना, 1 मीटर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं। फॉर वन शर्ट क्लोथ इज नीडेड 1 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब आपको पता है इन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर आर देयर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटीमीटर्स है उसको भी मीटर बनाना है, मतलब इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर है, 45 को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 45 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 100 प्लस 45 अपॉन 100। अब इसकी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, एलसीएम लेके आप अपने आप कर लेना। तो क्या हो गया, 145 अपॉन 100। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 1.45 मीटर। मीन्स वन शर्ट के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, 1.45 मीटर। ठीक है, अब हमें ऐसे कितनी शर्ट्स बनानी है, 35 शर्ट्स। तो 35 शर्ट्स के लिए हमें कितना क्लोथ चाहिए। ठीक है, हाउ मच क्लोथ इज नीडेड फॉर स्टिचिंग 35 शर्ट्स। तो हम क्या करेंगे, वन शर्ट के लिए हमें इतना क्लोथ चाहिए, तो 35 शर्ट्स के लिए हमें कितना चाहिए, 1.45 मल्टीप्लाई 35। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना, तुम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। तो 145 को हम 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास, 50 75। अब यहाँ पे देखो टू नंबर्स के बाद पॉइंट है हमारे पास, 4 5 के बाद टू नंबर्स है, हम टू नंबर्स काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से और हमारा आंसर आ जाएगा 50.75 मीटर। अब अपने ऑप्शन में देखो क्या ये आंसर है आपका, किसी ऑप्शन में फर्स्ट में कितना है, 500 75 मीटर, ये रहा 50.75 मीटर। तो हमारा जो सी है, That is our answer. Let's see the next part. Let's start second part. Second part is the salary of 50 laborers for 1 week is ₹8,500.50. What is the salary of 5 laborers per week? Per week means 1 week. अब question simple है. Question क्या कह रहे हैं कि जो 50 laborers है उसकी 1 वीक की सैलरी हमारे पास कितनी है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, 50 लेबर्स की सैलरी हमारे पास कितनी है, 8,500.50। तो हमें 5 की निकालनी है, तो पहले 50 की दी हुई है हमें, तो पहले 1 की निकाल लेते हैं। तो 1 लेबर्स की कितनी होगी, क्या करते हैं 1 की निकालते हैं, तो डिवाइड करते हैं, 50 से डिवाइड कर दिया हमने। अब हमने क्या करनी है, 5 लेबर्स की निकालनी है, तो 5 की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखो इसका पॉइंट आया हमें 2 0 आगे नीचे, ठीक है, 5 1 5 5 1 5 और ये 3 0, तो हमारे पास कितना आ गया, 8,500.50 अपॉन 1000। अब यहाँ पे देखो 3 0s हैं, ठीक है, तो ऊपर से 3 नंबर्स हमें गिनने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर्स गिन के हमने पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, तो एक लेबर की जो हमारे पास सैलरी है वो कितनी आई है, ₹850.05। ठीक है, तो आंसर देखिए कितने हैं हमारे पास, 850.05। ठीक है, पीछे वाला जो 0 है हम इसको काट दे सकते हैं, नंबर के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन इज आवर आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर शर्मास बाइक हैड एन एवरेज ऑफ 45.5 किलोमीटर पर लीटर, ही बॉट 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर कैन ही ट्रेवल ऑन दैट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से सुनो।
अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि मिस्टर शर्मा की जो बाइक है वो 1 लीटर पेट्रोल में 45.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। इसका मतलब यही हुआ ना एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ही बॉट 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो है वो 3.5 लीटर पेट्रोल परचेज करते हैं, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस कैन ही ट्रेवल ऑन दैट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, मीन्स 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल से वो उसका जो बाइक है वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब बच्चों को ये तो पता है कि मुझे अगर 1 लीटर का हमें दिया है और 3.5 लीटर की हमें एवरेज निकालनी है तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है आप लोगों को, प्रॉब्लम आती है कि इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हमें कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे देखो मुझे फाइंड क्या करना है, हाउ मच डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस किलोमीटर्स, क्या फाइंड करना है किलोमीटर्स कि कितना डिस्टेंस कवर होता है। तो मुझे डिस्टेंस को कहां रखना है, राइट हैंड साइड में। तो मुझे क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, इसका मतलब जो क्वेश्चन मुझे स्टार्ट करना है वो लीटर से स्टार्ट करना है कि 1 लीटर पेट्रोल में उसकी जो गाड़ी है वो 45.5 लीटर किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और 3.5 लीटर में उसकी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है, लीटर से, मतलब लीटर को मुझे कहां रखना है, राइट हैंड साइड पे, और जो किलोमीटर है उसको मुझे रखना है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मिस्टर शर्मास बाइक कैन ट्रेवल, ठीक है, या कैन कवर डिस्टेंस जो भी लिख लो, इज इक्वल टू 45.5 किलोमीटर, क्लियर। कि 1 लीटर पेट्रोल में मिस्टर शर्मा की जो बाइक है वो कितना ट्रेवल करती है, 45.5 किलोमीटर, ठीक। अब क्या निकालें, 3.5 लीटर पेट्रोल में मिस्टर शर्मा की बाइक कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 लीटर में अगर उतना करती तो 3.5 में कितना करेगी, इन 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल मिस्टर शर्मास बाइक कैन ट्रेवल, क्या करेंगे, 45.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार पॉइंट को भूल जाएं, मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ गया 15925। अब हमें इसके यहाँ क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है, 1, 2 पॉइंट से पहले वाले नंबर काउंट कर लिए राइट हैंड साइड में, इसके 1 पॉइंट यहाँ, 1 नंबर यहाँ है और 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर्स हो गए, 2 नंबर्स काउंट करके हमने यहाँ पे आंसर लगा दिया। तो ये किलोमीटर में आंसर आ गया ना हमारा, क्योंकि किलोमीटर हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना कभी भी आपकी जो स्टेटमेंट है रॉन्ग नहीं होगी और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपने क्या देखना है कि जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हमें राइट हैंड साइड में लिखना है और जो चीज हमें दो बार दिया है, दो बार जो चीज दी है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें दो बार दिया है लीटर, ठीक है। देखो लीटर, जो लीटर है वो दो बार दिया है, हाउ मच डिस्टेंस किलोमीटर मीन्स हमें किलोमीटर फाइंड, ठीक है। लेट स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, आ 0.5 मीटर ऑफ लॉन्ग वायर इज कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, ईच पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी पीसेस ऑफ वायर आर देयर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 0.5 मीटर, इसमें से हमें इक्वल लेंथ के पीसेस कट करने हैं, बिल्कुल इक्वल लेंथ के, और जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के हमें यहाँ से पीसेस कट करने। अब हमें बतानी है कि 0.5 मीटर लॉन्ग वायर में से हम 5 सेंटीमीटर के कितने पीसेस कट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि
जो वायर हमें गिवन है उसकी लेंथ कितनी है। तुम क्या लिखेंगे पहले, टोटल लेंथ ऑफ, क्या लिखेंगे पहले, टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर की टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 0.5 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, ईच पीस ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग मीन्स लेंथ ऑफ वन पीस, एक पीस की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेम यूनिट करेंगे तब भी डिवाइड होगा ना, सेम यूनिट नहीं है तो हम इसकी डिवीजन नहीं कर सकते। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 100 से करो 500। अब एक नंबर के बाद पॉइंट यहां लगा दिया हमने, तो कितना आ गया हमारे पास, 50 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आ गई हमारे पास, 50 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ वायर कितने हमारे पास, 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन पीस कितने, 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम यूनिट हो गए। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ वायर्स आर देयर, तो टोटल पीसेस निकालने हैं हमें। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस, तो नंबर ऑफ पीसेस इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पीसेस निकालने का, कुछ भी निकालना है हमें कि मान लो तुम्हारे पास बड़ा सा बॉक्स है आइसक्रीम का, उसमें से हमें कौन फिल करने हैं, तो कितने कौन उसमें से फिल हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं, या नंबर एक वायर, एक हमारे पास वॉल है, वॉल की हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, अब उस वॉल में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, एक ब्रिक की हमें टोटल मेजरमेंट दी है, वहां पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो इन सबका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें नंबर ऑफ समथिंग निकालना है तो जो टोटल है हमारे पास, टोटल एरिया है या टोटल वॉल्यूम है जो भी है वो ऊपर लिखना है, और जितना वन पीस का है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, तो टोटल लेंथ हम ऊपर लिखेंगे, क्या लिखोगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये चीज यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर ऊपर लिखेंगे और जो वन पीस की जो लेंथ है वो हम नीचे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वन पीस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो बड़े वाला ऊपर छोटे वाला नीचे दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और वन पीस की कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर कट गया, ना भी लिखो तब भी चलेगा, 50/5 कर दो फिर भी चलेगा, काट देंगे इसको हम। तो नंबर ऑफ पीसेस, हाउ मेनी पीसेस ऑफ वायर आर देयर, कितनी आ जाएगी हमारे पास आंसर, 10। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स या नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ वायर्स कितने हो गए हमारे पास, 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, पंकज पुट 84.4 kg ऑफ ऑयल इनटू जार्स, ही पुट 400 ग्राम्स इनटू ईच जार, हाउ मेनी जार्स डिड ही यूज। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पंकज के पास 84.4 kg ऑयल है, ठीक है, और उसने वो जो 84.4 kg ऑयल है उसने हमको जार्स में डालना है, बॉटल लगा लो, डिब्बे किसी में भी उसने, मतलब कोई जार है उसमें उसको डालना है। ठीक है, ही पुट 400 ग्राम्स इनटू ईच जार, एक जार में वो 400 ग्राम ऑयल डाल देते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी जार्स डिड ही यूज, वो कह रहा है कि वो कितने जार्स का यूज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पंकज के पास कितना है, तो क्या लिखोगे स्टार्टिंग में, पंकज हैज, स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, पंकज हैज ऑयल 84.4 किलो। ठीक है,
पंकज के पास कितना ऑयल है? 84.4 केजी। अब वन जार कंटेन्स एक जार में कितना ऑयल आता है? 400 ग्राम्स। ठीक है, 400 ग्राम ऑयल। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जार्स। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जार्स। तो जार्स को हम कहाँ रखेंगे? राइट हैंड साइड पे। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? अब दो बार हमें क्या चीज दी है, देखो केजी ऑयल, ठीक है, 400 ग्राम ये भी ऑयल है, ग्राम हमें दिया है, किलोग्राम दिया है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। अब ये ग्राम से और ये किलोग्राम से है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा। अब 1 kg 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? टेल हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg? यस, 1000 ग्राम्स। कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो हम क्या करेंगे? 84.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम्स बन जाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारे पास ग्राम्स बन गए। ठीक है, कितने बन गए? 84,400 ग्राम हमारे पास ऑयल आ गए। ठीक है, अब हम स्टार्ट कहां से करना? ग्राम से। निकालना क्या है? जार। तो क्या लिखेंगे? 400 ग्राम्स ही नीडेड इज इक्वल टू 1 जार। जार को हमें राइट हैंड साइड में लिखना है ना, तो 400 ग्राम्स के लिए उसको 1 जार की जरूरत है। तो 1 ग्राम के लिए कितने जार चाहिए उसको? 1/400 नीचे आ गया। अब टोटल ग्राम्स कितने हैं? 84,400 ग्राम्स के लिए उसको कितने जार की जरूरत पड़ेगी? 1/400 × 84,400। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 211 जार्स। हाउ मेनी जार्स ही नीडेड? कितना आंसर आ गया? 211 जार्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है हमारे पास। ईच बॉक्स ऑफ एप्पल वेट 4.5 kg, देयर आर 23 boxes इन अ कार्टून, हाउ मेनी किलोग्राम्स वुड आ कार्टून ऑफ एप्पल्स वेट? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें एक बॉक्स एप्पल का वेट दिया हुआ है, कितना है? 4.5 kg। एक बॉक्स ऑफ वन बॉक्स ऑफ एप्पल का वेट कितना है? 4.5 kg। और ऐसे कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? 23 boxes हैं, और एक कार्टून के अंदर 23 boxes हैं। तो वो क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी किलोग्राम्स वुड अ कार्टून ऑफ एप्पल्स वेट? उस कार्टून, वो जो कार्टून है एप्पल्स का, उसके अंदर उसका वेट कितना है? ठीक है, एक कार्टून में 23 boxes है, और एक बॉक्स का जो वेट है कितना है? 4.5 kg। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी किलोग्राम्स, ठीक है, किलोग्राम्स फाइंड करना है हमें। तो किलोग्राम्स को हमने राइट हैंड साइड में रखना है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना है? ईच बॉक्स ऑफ एप्पल की एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है? 4.5। तो हमें जो बॉक्सेस है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। बस आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक आपने क्या फाइंड करनी है, जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड में, ठीक है, और जो चीज हमें गिवन है 2 times उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बस फिर आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ एप्पल्स भी लिख सकते हैं या ओनली वन बॉक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स लिखो ना लिखो, सिर्फ बॉक्स तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ एप्पल्स कितना मेरे पास? 4.5 kg। अब ऐसे कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? 23 boxes हैं एक कार्टून के अंदर, तो हम क्या निकालेंगे? वेट ऑफ 23 boxes ऑफ एप्पल्स क्या करेंगे? 1 का हमें वेट दिया हुआ है, 23 का हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? 4.5 × 23।
मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 को 23 से, कितना आ गया हमारे पास 1035। ठीक है, अब वन नंबर के पॉइंट है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास किलोग्राम्स। तो वेट ऑफ वन कार्टून कितना आ गया, वेट ऑफ कार्टून या वन कार्टून, क्योंकि एक ही कार्टून है, एक कार्टून में 23 बॉक्सेस हैं, तो वेट ऑफ 23 बॉक्सेस लिखो या वेट ऑफ वन कार्टून लिखो या ओनली कार्टून लिखो, कितना आ गया हमारे पास आंसर 103.5 किलोग्राम्स। ठीक है, ये हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स आर देयर इन रुपीज 125। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज है 25 पैसे कॉइन्स। अगर आपने 1 रुपए का सिक्का देखा होगा, 2 रुपए के देखे होंगे, 5 रुपीज का देखा होगा, पर 25 पैसे के कॉइन्स जो हैं वो 1 रुपए में 4 होते हैं, छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं। 25 पैसे के कॉइन्स होते हैं हमारे पास 4 1 रुपए में, और 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन्स होते हैं। आप ऐसे करो कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इन 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, आपको इतना तो पता ही है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अगर 25 पैसे का 1 कॉइन्स है तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास 4। 25 प्लस 25 50 पैसे, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 50 100 पैसे होगी। तो 1 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे 4, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, देयर आर, अब हमें क्या निकालने हैं, कॉइन्स निकालने हैं, कॉइन्स को हमने राइट हैंड साइड पे रखने हैं। देयर आर यानी एज स्टार्ट इन 1 रुपी, इन 1 रुपी देयर आर 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। ठीक है, 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं 1 रुपए में 4 होते हैं। इन 1 रुपी देयर आर 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, तो इन रुपीज 125 देयर आर, अब यही पूछे ना उसने कि 125 रुपीज में 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने कॉइन्स हैं 4, तो 125 में कितने होंगे 125 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 20 का 0, यहाँ पे 2 आ गया, 4 2 जा 8, 8 2 10, कितना आ गया 500 कॉइन्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन्स होते हैं, बस देन इट इज वेरी इजी।